हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। सुप्रभात सभी को। और आज हम पढ़ने वाले हैं 28 अक्टूबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं उन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज तारीख है 29 अक्टूबर और कल की तारीख में जो कुछ भी घटा उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आपका कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज चेंज्ड इट्स नेम टू मेटा। व्हाट्सएप, ट्विटर, कोरा या फिर मेटा ही लिख दिया यहाँ पर, इट शुड बी फेसबुक। ठीक है, मेटा का नाम बदलकर, फेसबुक का नाम बदलकर मार्क जुकरबर्ग ने मेटा कर दिया है। ठीक है, फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर दिया है। अब आप फेसबुक की जगह पर मेटा लिखा हुआ देख सकते हैं। बेसिकली है क्या कि जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो एक मेटावर्स बना रहे हैं। मेटावर्स क्या है, देखो उसमें वर्स आ रहा है, यूनिवर्स मतलब एक संसार। तो एक मेटावर्स आप ऐसे समझ लो कि एक वर्चुअल दुनिया बना रहे हैं जिसमें उनके सारे ऐप्स होंगे। तो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो उसी सिलसिले में फेसबुक का नाम बदल के इन्होंने मेटा कर दिया है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनकी समिट चल रही है, हो सकता है सुबह होते होते कई सारे चेंजेस हो जाएं। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए @AmanTrivedi। आपको वहां पे मेरा टेलीग्राम प्रोफाइल मिलेगा और वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप सर्च करिए @AmanTrivedi, जहां पे आप डबल आई लगाएंगे तो आप उसके बाद वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटावर्स कर दिया है। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कल की क्लास में छूट गया था वो ये कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग कर ली है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग की है। और अगर आप इसे देखेंगे तो ये इतना सारा एरिया जो है वो कवर कर सकता है। रशिया, चाइना पूरे तरीके से कवर हो रहा है इसमें हमारा। रशिया भी कवर है, अफ्रीकन कंट्रीज भी कवर हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी कवर हो रहे हैं। तो पूरा जो हमारा इसकी, क्योंकि जो रेंज है इसका जो वेट है वो है 50,000 किलोग्राम वेट है। 17.5 मीटर्स की लेंथ है, 2 मीटर का डायमीटर है, स्पीड है 24 मैक, इंजन है 3-स्टेज सॉलिड और न्यूक्लियर वॉरहेड है 1500 kg का। न्यूक्लियर वॉरहेड ये को कैरी कर सकता है। इसके अलावा जो अग्नि 5 बनी थी जो कि अप्रैल 19, 2012 में बनी थी उसकी रेंज थी 700 किलोमीटर। अग्नि 2 बनी थी सितंबर 15, 2013 में और उसकी रेंज थी 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 बनी थी जनवरी 31, 2015 को टेस्ट की गई थी और इसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर। और अग्नि 5 आई है नवंबर 9, 2015 में 4 में हीट टेस्ट की गई थी 4000 किलोमीटर। और अब अग्नि 5 आई है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ठीक है, ऑपरेशनल रेंज है 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। 5500 विल विद फुल पेलोड ऑफ 1.5 टन वॉरहेड एंड 8000 किलोमीटर विद लाइटर वॉरहेड। तो बेसिकली 5500 से 8000 तक की रेंज है, ऑपरेशनल रेंज इसकी है 5000 किलोमीटर। तो आप ये समझ सकते हो कि हम लोग अपने फोन्स अपग्रेड करते हैं, लोग आईफोन 11 से 12 लेते हैं, 12 से 13 लेते हैं, बट हमारी भारतीय सेना क्या करती है, DRDO अग्नि मिसाइल को अपग्रेड करती है और अग्नि 5 में 5000 किलोमीटर तक की रेंज कैरी की जा सकती है, कवर की जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और इसे भारत ने परसों टेस्ट फायर किया था। ठीक है, 27 अक्टूबर को तो इसको टेस्ट फायर किया गया है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्च साइट अब्दुल कलाम आइलैंड से यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इतना एरिया ये कवर कर रहा है। ठीक है, अग्नि 1 की जो रेंज थी वो 700, अग्नि 2 की 2000, अग्नि 3 की 3000, अग्नि 4 की 4000 एंड अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर्स की रेंज है आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है भारत के द्वारा टेस्ट की गई है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। परीक्षण फायरिंग 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से शाम लगभग 7:50 पर की गई थी। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 3 चरण के ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता रखने की भारतीय घोषित नीति के अनुरूप है, जो नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाइल का 5 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और यह सेना में शामिल होने को प्रक्रिया में है। ठीक है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली
बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण भी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा गतिरोध के बीच हुआ। तो ये मायने रखता है, इस समय जब हमारा चीन के साथ गतिरोध चल रहा है लद्दाख की पूर्वी सीमा पे, उस समय ऐसी परीक्षण करने के अलग मायने होते हैं। ठीक है, अग्नि 5 सबसे उन्नत सतह से सतह पर स्वदेशी रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी मिसाइल है और लगभग 1.5 टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 एक आग और भूलने वाली मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, यानी कि आग से आप उसको फायर करिए उसके बाद भूल जाइए। विच वंस फायर्ड कैन नॉट बी स्टॉप्ड, उसे रोका नहीं जा सकता एक्सेप्ट बाय एन इंटरसेप्टर मिसाइल, बीच में अगर कोई इंटरसेप्टर नहीं आता है। इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP वॉज कंसीव्ड बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू इनेबल इंडिया टू अटेन सेल्फ सफिशियंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये अब्दुल कलाम जी द्वारा बनाया गया था। इट वॉज अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1983 एंड कम्प्लीटेड इन मार्च 2012। द 5 मिसाइल पटना, जिसे आप कह सकते हैं पहली हमारी पृथ्वी है, दूसरी अग्नि, तीसरी त्रिशूल, चौथी नाग एंड पांचवी आकाश, ये इसी प्रोग्राम के अंदर डेवलप हुई हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी मैंने आपको यहाँ पर रेंज भी लिख दी है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 25 अक्टूबर, 26, 27 या 28, तो ये 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस आपके 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी मैंने डे आज आपके सारे लिख रखे हैं, आप इन्हें एक बार रिवाइज कर सकते हैं, डेली मैं वीडियो में आपको बता भी देता हूँ। तो आप फिलहाल याद रखेंगे क्या कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे जो है वो मनाया, ऑब्जर्व किया जाता है 28 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए, तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर एंड टू सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ एनिमेशन एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस बिहाइंड एनिमेशन। दिस ईयर मार्क्स द 20th इंटरनेशनल एनिमेशन डे, ये 20वां इंटरनेशनल एनिमेशन डे है। एंड दैट डे वॉज क्रिएटेड इन 2002 बाई इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन अ मेंबर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की मेंबर है। इसके अलावा जो आपका एनिमेटेड ASIFA जो है हमारा, इसके जो फाउंड प्रेसिडेंट हैं वो हैं सायोका किनोशिटा। इसके अलावा ASIFA के फाउंडर हैं जॉन हलास, और ये फाउंड की गई थी 1960 में NSE फ्रांस में। ठीक है, इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन इज ASIFA। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आर के सिंह जो कि हमारे पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं आर के सिंह, उन्होंने ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है। ग्रीन डे अहेड मार्केट क्या है? एक तरीके का नया बाजार खंड है, ग्रीन डे अहेड लॉन्च किया है। यह भारत को विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए GDAM लागू करने वाला दुनिया का एकमात्र बड़ा बिजली बाजार बनता है। हरित बाजार का शुभारंभ हरित बाजार को गहरा करेगा और प्रतिस्पर्धी मूल्य संकेत देगा। इसके अलावा बाजार सहभागियों को सबसे पारदर्शी, लचीले और प्रतिस्पर्धी कुशल तरीके से हरित ऊर्जा में व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए बाजार के लिए परमिशन सरकार ने दी है। ठीक है, इस नई पहल अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को खोल देगी ताकि कोई भी क्षमता स्थापित कर सके और इससे वितरण कंपनियों और उद्योगों को बेच सके। इस बीच बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियां ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा को खरीद या बेच सकेंगी। बाजार आधारित प्रतिस्पर्धी कीमतें अक्षय उत्पादकों को बिजली बेचने के साथ साथ भारत को एक स्थायी और कुशल ऊर्जा अर्थव्यवस्था के रूप में बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की दिशा में अक्षय क्षमता वृद्धि में तेजी लाने का एक और विकल्प प्रदान करेगी। ठीक है, किस राज्य ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? गो ग्रीन स्कीम किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका जवाब है आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और CM है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, CM है भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। CM न्यू दिल्ली के हैं हमारे अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, CM है श्री शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर हैं मंगू भाई सिंह पटेल।
गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक जो दोपहिया वाहन है, उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और का शुरुआत की और इसका पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगाना है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे कि एक औद्योगिक मजदूर को वाहन की कीमत पर 30% या ₹30,000 जो भी कम हो उस बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर इतनी छूट मिलेगी। निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 50% सब्सिडी है या फिर ₹30,000 जो भी कम होगा वो मिलेगा बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर। ठीक है, तो ये गो ग्रीन योजना जो है आपके गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ में टाई अप किया है टू लॉन्च काचिंग क्रेडिट कार्ड। काचिंग नाम से क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है। इंडिगो और कोटक महिंद्रा बैंक ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के जरिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है काचिंग। द क्रेडिट कार्ड वॉज लॉन्च्ड अंडर इंडिगो इंडिगोज 6E रिवॉर्ड्स प्रोग्राम एंड लिंक्ड विद इट टू इनेबल द मेंबर्स टू अर्न रिवॉर्ड्स बाय यूजिंग द कार्ड ऑन इंडिगो एंड अदर मर्चेंट्स। The co-branded card will be available in two variants such as 6E Rewards and 6E Reward XL by offering exclusive travel benefits for domestic and travel in international travel. तो basically Indigo और Kotak Mahindra Bank ने एक tie-up करके Kaching credit card launch किया है। Kotak Mahindra Bank found की गई है 2003 में। Headquarter है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं उदय कोटक और tagline है Let's make money simple। ठीक है, अगला सवाल है फ्लो बिज नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। फ्लो बिज नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, आयुष्मान खुराना, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह या फिर मनोज बाजपेयी। तो इसका जवाब है मनोज बाजपेयी जी को फ्लो बिज नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपने ये ऐड देखा होगा, माई बिल बुक इस नाम से ये ऐड आ रहा है और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे श्री मनोज बाजपेयी जी। फ्लोबिज नियो बैंक ने मनोज बाजपेयी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक नियो बैंक फ्लोबिज ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अब मनोज बाजपेयी को अपने प्रमुख उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया। वह डिजिटल समाधानों के महत्व को चिन्हित करने के लिए बिजनेस को ले सीरियसली अभियान को बढ़ावा देगा। उन्होंने SMB क्षेत्र में माई बिल बुक की पहुँच में तेजी लाने और माई बिल बुक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए। ठीक है, जो कि GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए है। तो मास्टर कार्ड ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मैग्नस कार्लसन। टैग अ टेक ड्रिवन लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। क्वाइन DCX के अमिताभ बच्चन, क्वाइन DCX के फ्यूचर यही है कैंपेन के बने हैं आयुष्मान खुराना। फायरबोल्ट के बने हैं विराट कोहली। रशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए बने हैं इम्तियाज अली। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं KL राहुल। गो नॉइज के बने हैं ऋषभ पंत। एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा आपका चिंगारी करके एक क्रिप्टो निकाला है चिंगारी ऐप ने, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके सलमान खान। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कमेंसेस। तो इंडो पैसिफिक के जो रीजनल डायलॉग है वो शुरू हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 का आयोजन 27, 28 और 29 अक्टूबर को 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 21वीं सदी के समुद्री दौरान समुद्री रणनीति में विकास, अनिवार्यताएं, चुनौतियां और रास्ता विषय पर केंद्रित होगा। आगे यह 8 विशिष्ट उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन IPRD 2021 के लिए भारतीय नौसेना का ज्ञान भागीदार है। यह IPRD 2021 के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य आयोजक भी है। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग जो है भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। यह पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का उद्देश्य है इंडो पैसिफिक के भीतर उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों दोनों की समीक्षा करना है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने एम्बेसडर्स राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2002 की चेयर की अध्यक्षता की। ठीक है, इन अ मेजर आउटरीच टू द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज एज ऑल्सो टू द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं उन्होंने एम्बेसडर्स राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2022 की अध्यक्षता की नई दिल्ली में। डिफेंस एक्सपो 2022 जो है वो एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन है। द राउंड टेबल वॉज एम्ड टू ब्रीफ द एम्बेसडर्स ऑफ फॉरन मिशंस अबाउट द प्लानिंग अरेंजमेंट्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 विच विल बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात बिटवीन March 10 to 13, 2022। तो मार्च 10 से लेकर 2013 तक गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर में ये होने वाला है। उसी के लिए एम्बेसडर्स राउंड टेबल जो है डिफेंस एक्सपो के लिए अध्यक्षता की।
More than 200 delegates participated and heads of missions and defense attaches attended the round table. ठीक है, इसमें आपके हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल हुए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी शामिल हुए, और सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार शामिल हुए, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वर आल्सो प्रेजेंट. फ्रांस ने मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट सायराकॉज 4A को लॉन्च किया. फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सायराक्यूज 4A को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया, जिसे फ्रेंच गुयाना के कॉरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था. इसे दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी से सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति के लिए देने के लिए डिजाइन किया गया है. उपग्रह अपने आसपास के इलाकों को सर्वेक्षण कर सकता है और हमले से बचने के लिए खुद को आगे बढ़ा सकता है. एमएससीएमई की मिनिस्ट्री ने संभव नाम से नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है. ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ई नेशनल लेवल प्रोग्राम लॉन्च किया है संभव, टू प्रमोट इंगेजमेंट ऑफ द यूथ इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है. द ई नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 संभव वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई नारायण राणे. तो अगर एमएसएमई के मिनिस्टर का नाम पूछा जाएगा तो वो क्या है, नारायण राणे. संभव नाम से अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए. द मास आउटरीच प्रोग्राम विल बी 1 month लॉन्ग इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज कॉलेजेस आईटीआईज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एनकरेज्ड बाय 130 फील्ड ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा ये सब. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पीएम मोदी जो है 16th ईस्ट एशिया समिट को वर्चुअली शामिल होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने एक स्वतंत्र खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक और एशियान केंद्रितता के सिद्धांत पर भारत के फोकस की फिर से पुष्टि की. क्षेत्र 16वें ईएस की मेजबानी ब्रुनेई की अध्यक्षता में हुई और यह प्रधानमंत्री मोदी के 7वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन था. शिखर सम्मेलन ईएएस नेताओं द्वारा ईस्ट एशियन समिट 3 वक्तव्यों को अपनाने के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और सतत सुधार शामिल हैं. 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित और रक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एशिया प्रांत के क्षेत्र में प्रमुख नेता नेतृत्व वाला मंच है. ठीक है, इसके द ईएएस के 10 सदस्यों में 10 एशियान सदस्य शामिल देश और भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं. ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? सावकात मिर्जियोयेव, नजलाबाउदेन, डेम सैंड्रा मैसन या फिर फोमिया किशिडा. देखो, कभी भी उज्बेकिस्तान, रशिया वगैरह की बात हो तो जो अजीब से नाम वाला व्यक्ति हो वही आंसर होगा. तो शवकत मिर्जियोयेव इन्होंने ये प्रेसिडेंट बने हैं उज्बेकिस्तान के. उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंत, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, तब वो यूएसएसआर का हिस्सा था. करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम एंड प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला एरिपोव. नजलाबाउदेन ट्यूनिशिया की पीएम है, ट्यूनिस वहाँ की राजधानी है और ट्यूनिशियन डॉलर दिनार वहाँ की करेंसी है. डेम सैंड्रा मैसन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस हैं, ब्रिजटाउन इसकी राजधानी है. फूमिया किशिडा जापान है, जापान की पीएम है और पीएम वहाँ की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन. उज्बेकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता. वह उजलीदेप पार्टी के सदस्य हैं, उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी. उज्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव की मृत्यु के बाद 2016 में शवकत मिर्जियोयेव ने पदभार ग्रहण किया. HDFC और भारतीय पोस्ट बैंक ने पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया है होम लोन्स को ऑफर करने के लिए. HDFC लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने IPPB के 4.7 करोड़ ग्राहकों को 650 शाखाओं के व्यापक नेटवर्क और 1.36 लाख से अधिक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से HDFC लिमिटेड की होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है. साझेदारी भारत के दूरस्थ स्थानों में किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने में मदद करेगी. साझेदारी के तहत IPPB डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों सहित 1,90,000 बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से गैर बैंकिंग और कम सेवा वाले क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए होम लोन की पेशकश करेगा. इट्स अ वेरी गुड मूव. बेसिकली क्या है, HDFC लिमिटेड जो है वो काफ़ी
लिबरली लोन दे देता है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट बैंक्स। और ये जो है अभी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में काम कर पा रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह पहुंचना इनके लिए संभव नहीं होता है कि हर जगह अपनी ब्रांच खोल पाएं, क्योंकि प्राइवेट में उतने सारे आपके पास संसाधन नहीं होते, खर्चा होता है भाई कहीं पर भी ब्रांच खोलने में, और वहाँ पे उतना बिजनेस जरूरी नहीं मिल जाए। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ में इन्होंने टाई अप किया, तो उससे क्या होगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, भाई डाकखाना तो हर जगह, तो डाकखाना से एटलीस्ट इनकी पहुंच लगभग समझ लो पैन इंडिया हो जाएगी। तो अब ये गांव वगैरह में भी होम लोन दे सकेंगे, और अभी नहीं दे पाते थे। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं जे वेंकट रामू, और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को बैंकिंग विनियम अध्ययन 1949 की धारा 22(1) के तहत पेमेंट्स बैंक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ UNEP एमिशन गैप रिपोर्ट 2021। एमिशन गैप, द हीट इज ऑन, मेल्टिंग आइस, वाइल्ड लाइफ एंड ड्रॉट्स। तो जवाब है इसका द हीट इज ऑन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 का 12वां संस्करण, जिसका शीर्षक द हीट इज ऑन है, को 26 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। वार्षिक श्रृंखला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भविष्यवाणी के बीच अंतर का एक सिंहावलोकन देती है, ओवरव्यू देती है, और 2030 में और जहां उन्हें जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव को टालना है इसके बारे में बताती है। विच नेशन होस्टेड 16th ईस्ट एशियन समिट, हमने अभी पढ़ा था, तो ये होस्ट की है ब्रुनेई ने, ठीक है, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापानी, ब्रुनेई ने 16th ईस्ट एशियन समिट होस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रुनेई के सुल्तान द्वारा आयोजित 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कश्मीर युद्ध स्मारक के रक्षकों का अनावरण किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ऑब्वियस जवाब है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ही किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, CM है प्रेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा, सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, CM है प्रेम सिंह तमांग, एंड गवर्नर है गंगा प्रसाद जी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह सिन्हा ने 27 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक युद्ध स्मारक कश्मीर के उद्धारकर्ता को समर्पित किया। युद्ध स्मारक श्रीनगर के बडगाम एयरफील्ड में भारतीय वायुसेना के विमान में भारत सेना के आगमन के 75वें वर्ष की याद दिलाता है, जिसको मैंने कल भी बात की थी कि भारत वहाँ पर पहली बार वहाँ पर उतरी थी, भारतीय सेना उस हवाई अड्डे पर उतरी थी। Who will step down from the board of ATK Mohan Bagan Football Club? सुनील छेत्री, वाईचुंग भूटिया, सौरभ गांगुली या फिर सचिन तेंदुलकर। तो सुनील छेत्री इस समय हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, वाईचुंग भूटिया पुराने कैप्टन हैं। जवाब है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ATK मोहन बागान फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट थे। तो RPSG द्वारा लखनऊ IPL टीम के लिए बोली जीतने के बाद BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ATK मोहन बागान के बोर्ड से हट जाएंगे। मोहन बागान भारत के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल क्लबों में से एक हैं। सौरभ गांगुली शेयरधारक और फुटबॉल क्लब के निदेशकों में से एक को संघर्ष के मुद्दे, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा मुद्दे के कारण ये पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि RPSG के उपाध्यक्ष हैं संजय गोयनका और मोहन बागान के साथ साथ नई लखनऊ IPL टीम के भी मालिक हैं। तो दो टीमें इनकी ओन हो जाएंगी और फिर एक जगह पर सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट रहते, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इस वजह से वो छोड़ रहे हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप के में सबसे अधिक बार जीतने वाला देश कौन सा है? तो इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या वेस्टइंडीज़। तो वेस्टइंडीज़ ने 2 बार जीता है, बाकी सारे देशों ने 1 बार जीता है। इंग्लैंड ने 2010 में, इंडिया ने 2007 में, पाकिस्तान 2009 और वेस्टइंडीज़ 2012 और 2016। तो 2 बार विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी है वेस्टइंडीज़। खैर ये पुराना फैक्ट है, बट चूंकि वर्ल्ड कप की बात चल रहा है इस समय, इसलिए इसकी बात की गई। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।